श्रोतागणों, यह प्रोग्राम मैना कैसेट कंपनी की ओर से पेश करते हैं, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया व सरिता चौधरी। किस्सा है भगत पूर्णमल, भाग नंबर एक। हमारी दोनों की तरफ से सभी सज्जनों को, माता और बहनों को और भाइयों को, आपके अपने चाहते कलाकारों की ओर से प्यार भरी राम राम। तो बात किस समय की कि सियालकोट में राजा सुलेमान राज किया करते थे, जिनके दो रानियां थी। एक रानी का नाम, जो बड़ी रानी थी, उसका नाम था इंद्रादे और दूसरी रानी का नाम था नूणादे। भगवान कैसे करने हो जाते हैं कि इंद्रादे के एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम पूर्णमल रख दिया। पूर्णमल को होते ही भोरे के अंदर डलवा दिया। कुछ दिन के बाद 12 साल जब पूरे हो जाते हैं, तो पूर्णमल को भोरे के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। और राजा सुलेमान ने आदेश दे दिया कि पूर्णमल को सबसे पहले उसकी मौसी के दर्शन करकावे। इतनी बात हलकारा सुनकर ने पूर्णमल को उसकी मौसी नूना दे के महल में ले जाते हैं। और जब पूर्णमल की शान शकल देखी नूना दे ने, तो उस पर मोहित हो जाती है। और एक बात के द्वारा नूना दे क्या कहती है और पूर्णमल क्या जवाब देता है। चमका लाग्या जैसे चमका भान में, और देख पूरण के रूप ने नूना दे कभी पड़ गया फर्क ईमान में। देखे पूरणमल, इसी बात नहीं है, मैं तो तेरी शान शकल न देख कर उसको ऊपर मोहित होगी हूँ और माँ बेटे का नेक भूल गई हूँ, और अपने दिल का हाल तेरे किस तरह के कहना चाह रही हूँ तो यो भी सुन ले। आजा पूरणे, बैठ पलंग पे, मतन्या जुलम करेरी मोसी मैं बालक सुतेरा। आजा पूरणे, बैठ पलंग पे, तैहा मान ले मेरा। मतन्या जुलम करेरी मोसी मैं बालक सुतेरा। मतन्या जुलम करेरी मोसी मैं बालक पति बनन की ओट लिए, इसमें तेरी भलाई से साले करनी री खपर भरनी या के मन में आई से। साले करनी खपर भरनी या के मन में आई से। बेटा कह दे माता राम भला करे
छोड़ दे पड़े आसमान टूट के। तेरे पिता ने बिठा दई चंदा सी शान खूट के, पर ले पारे उतर जांगी भक्ति ज्ञान लूट के। पर ले पारे उतर जागी माँ भक्ति ज्ञान घूट के। जो प्यासे ने पानी प्यादे हो पूरन हो, जो प्यासे ने पानी प्यादे के बिगड़ेगा तेरा। ओ ए पानी प्यावेगा जो नया बांध के सेरा, तेरा गेर दिया। और मैं फिर भी अपने दिल की बात तेरे तन्यू कहती हुई कहूँ हूँ कि जब तक मैंने पूरन तेरी शान देखी है, मन अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, और तू मेरा कया मान ले, इसमें तेरा फायदा से। एक बात है माता जी, आपसे कुछ भी कहो, आप मेरी धर्म की माता हो,
तो इसका मतलब पूरण तू मेरी बात न कति नहीं मानेगा। ना बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो मेरी एक बात सुन ले पूरण। हाँ क्या कहो बताओ। पूरण कर मुलाकात मेरे ते ना डटे इश्क की झाल तू मौसी में बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल। पूरण कर मुलाकात मेरी ते ना डटे इश्क की झाल तू मौसी में बेटा तेरा तेरा दे दे मेरा रुमाल। मेरी तप्त बुझाई ये पूरणी आग बदन में लागी हाथ फेर पुछ कार मात मत बनिए कुल की ताकी जान मुफत में जागी पूरणी जान मुफत में जागी पूरणी पड़े तेरे पजाल जिस घर में हो पीर कुलसनी वाले जाकर किया तू मस्ती मेरी बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल तू मस्ती मैं बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल। ईशा जतन तू कर ले रहन की खातिर कोठी बंगले रहन की खातिर कोठी बंगले पूरण आप संभाल रंग दे बंगले बने रहो तमने तू करती मन काल तू मौसी मैं बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल मौसी तू मौसी मैं बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल। जीवन खोया जान का साबुन से चाहिए इसे मन के मैल को धोना वीर मर्द का नाता कर ले वीर मर्द का नाता कर ले मैं होई पड़ी सुधा सतपुरुषा के तोरे मोसी नहीं पड़ती इसी में साल तू मौसी मैं बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल री माता तू मौसी मैं बेटा तेरा दे दे मेरा रुमाल। देखे पूरण
अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा खामोशी। दत्तनत्रिया के रूप नहीं पता होया करते जब वह अपनी पाया जाया करे है आ? तो वह किसी ने नहीं देखा करते। कैसे देख ले मैं तेरे गिले के बनवा सकती हूँ। क्या बनवा सकती हो बताओ। तने फांसी पे चढ़वा दूंगी जो मान्या ना तू मेरी। हाँ तेरी बात ने ना मानू हो चाहे दिन की रात अंधेरी। इसी करूंगी हेरा फेरी इसी करूंगी हेरा फेरी तू बचन ही किसे घार। हर बंसलाल की शक शाते नित छंद रचे सतपाल। महाराज की सुन के नुना दे महाराज तो की कहन लगी। ओ तेरा वो बोला मेरा तिलक हो जा जब लागे हवा चपे।
दहशत न किसे सारे की। ओ गुरु माने सिंह के साथ लक्ष्मी चंद ने लिसी तो सजनों, राजा सूर्य महारानी नुनादे से पूछता है कि तुम्हारे साथ पूर्णमल ने क्या हरकत की है। और रानी नुनादे ने कहा, हो तेरा पूर्णमल बदमाश, मेरे तला क्या करना आई। तो अब राजा सूर्य महारानी नुनादे के पास जाता है और पूछता है, रानी नुनादे जी महाराज, क्या बात है, मेरे पूर्णमल ने ऐसा गलत कौन सा काम किया है जो आपने ये झूठी साची बात लगाई है। महाराज, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा है। आपके पूर्णमल ने रंग महलों में आके मेरे साथ छेड़खानी की है। क्या इसका कोई ठोस गवाह है? बिल्कुल महाराज। कौन है? आप मेरी बांदी से पूछ सकते हैं। तो प्रिय सजनों, अब राजा सुलेमान बांदी के पास जाता है और बांदी से कहता है, बांदी जो आज्ञा महाराज। आप भगवान को साक्षी मान कर यह कह सकते हो अपने दिल से कि मेरा पूर्णमल गलत है? महाराज, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी। आप मुझसे प्रश्न कीजिए और आपके मैं प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तो मेरी बात सुनिए। हाँ बंदी, खोल कर साफ बता दे, बात बनी हो जो सारी। तेरी रानी की पूरन मल ने आज आबरो तारी। हाँ बंदी, खोल कर साफ बता दे, बात बनी जो सारी। के माँ आया पूरण मोसी के लेन चरण ने। नहीं दरसता भूखा रजनी आया था बदी करणी ने। आके मेरा ही पूरण पाया तने झूठा दोष धरण ने। काम देव जा क्या पूरण के हो गया उत्मरणी ने। आ ईसा भक्ति नादान उम्र के, ईसा भक्ति नादान उम्र के जाने चोरी जारी। तने के बेरा तेरे पूरन से लागी इश्क बीमारी। आ बंदी, खोल के साफ बता दे, बात बनी तो सारी। कर दे साप बयान तने जो मेला के माँ देखी रे। साड़ी पकड़ी रानी के फेरे पूरी नजर टेकी। हाँ इश्क कमाना ना जाने ओ सदा करनिया ने की रे। खुद मौसी ने बहु बनावे तो किसकी बंध से। जय मने पाग्या फरक बात में, जय मने पाग्या फरक बात में, तेरा शर काटू कलियारी। कोन्या बोलू भूप झूठ चाहे जयो गर्दन तारी। तेरा बंदी, खोल के साप बता दे, बात बनी जो सारी। के पूर्ण मल के बारे में क्यों झूठी बात कैसे ओड़ी। तेरी रानी के
देखे पूर्ण मल कह रही बांध बुराई आप बने सबोड़ी रे मारी पिटी पूर्ण ने दई दूर भर को आज उठे ने तम सच्चा कर दो झूठे ने तम सच्चा कर दो इसी त्रिया जाति थारी इश्क की आग लगी पूरण के रण पटक धरण के बंदी खोल के सांप बता दे बात बनी जो सारी हाँ तू भी अरे मरे थी बंदी नारायणी की लाज बचाई जवान मर्द के आगे तमारी कोना पर बसाई देखे पूर्ण मल ने मरवा देगी बंदी त्री गवाही मार चाहे दे झूठ बाप मने सच्ची बात बताई आके जय सिंह अब करू फैसला कह जय सिंह इब करू फैसला बनके ने न्याकारी सतपाल तू गाया करनी ते नहीं नहीं ये ले तारी हाँ पांजी खोल के सांप बता दे बात बनी जो सारी रे तेरी रानी की पूरण मल ने आज अब रोतारी तो प्रिय सजनों अब जब राजा सुलेमान ने बांदी से ये बात पूछी और बांदी ने जो जवाब दिया इस प्रकार उस बांदी ने उस पूर्णमल को दोषी ठहरा दिया। अब राजा सुलेमान वापस दरबार में पहुंच जाते हैं। अगले दिन सभी दरबार को इकट्ठा कर लिया राजा सुलेमान ने और नूनते रानी नूनादे को बुला लिया और नूनते पूर्णमल को बुला लिया और आमने सामने खड़ा करके राजा सुलेमान एक बात के द्वारा नूनादे और पूर्णमल को के कहने लग गया थारा मा बेटे का नेक बिगड़ गया दोष धरिया कौन से ने और धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने थारा मा बेटे का नेक बिगड़ गया दोष धरिया कौन से ने बता दियो ने जिस तया खता पड़ी हो लागी चास आस की चाहे थोड़ी चाहे धनी हो ईसा जुलम मन इतना देखा ये माँ का पुत धनी हो थरा मौके का कौन गवा जिसने थरी बात सुनी हो थारे मैं तेरे हो थारे मैं ते बिना आस की कहो सरिया कौन से ने धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने
पीछे नू देखू ते लूणा देवी झूठ कहन की नास है। मड़ी सी बात पे आंसू ते पल्ला मूल बेण की नास है। पूर्ण मलकी पी सापिया तिमा कष्ट देन की नास है। राजघरा में इसी कसुती चोट खैन की नास है। थारे मैं तेरे हो हाँ, थारे मैं ते सले बान लिया समझ मरिया कुण से ने। धर्म स्वरूपी बहनी चाहिए खोट करिया कुण से ने। खातरी अपने ही बड़ होगी। ओए कामदेव की रे जाल उठ के होली की जड़ होगी। 12 साल की करी तपस्या सारी निष्फल होगी। एरे फल लागने का रे फल लगन का रूख काट दिया आज हरिया कुण से ने। धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए कोट करिया कुण से ने। ओए 307 सगाई तद्दी पूर्ण भगत निराला। बेराना किस डाल टूट गया जती पुरुष का पाला। ओए 12 बरस रया बोरे में सबका देखा भाला। सुत की मेरे करू तैरानी करे जान का गाला। आके लक्ष्मी चंदो हो के लक्ष्मी चंद गड़ा पाप का कहो भरिया कुण से ने। धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए कोट करिया कुण से ने। मा पेटे का नेक गगड़ गया दोष दरिया कुण से ने। तो प्रेमी सज्जनों उस बांदी की झूठी गवाही से फैसला यहाँ आ जाता है कि उस पूर्ण मल को राजा सुलेमान ने मृत्यु दंड दे दिया। और उससे पूछा कभी पूर्ण मल तेरी क्या ख्वाहिश है, तो कहा कि पिताजी मैं अपनी मौसी नूणा देवी के दर्शन दोबारा करने के लिए जरूर जाऊंगा। बताते हैं जब पूर्ण मल अपनी मौसी नूणा देवी के दोबारा दर्शन करने के लिए गया तो श्यामी दरवाजे में खड़ी थी वह नूणा दे। जब आता देखा पूर्णमल नूना देने, उन्हें सोचा कि पूर्णमल डर गया और उस पूर्णमल को एक बात के द्वारा कीकन लगी। कद के देखूं बाट तेरी आ पूर्णमल मेरी जान। मत बेटे पे नीत जगावे क्यों बनरी अज्ञान।
मनी अज्ञान। बेटा कहो मात मेरे सिर पे काल खड़िया से, तेरी जान मेरी मुट्ठी बीच किसे चक्कर बीच पड़ा से, येरी एक दिन सबने री मरना मुसी काल ते खोन लड़िया से, बेमतलब क्यों मरना चाहवे, बेमतलब क्यों मरना चाहवे, बात मेरी ले मां, बेसक दड़ तेरी शीस उतर जा कती ना छोटू ईमान, गंदगी देखू बाट तेरी आ पूरण मन मेरी जान, मत बेटे परी नीत जगावे क्यों बन रही अज्ञान, पाप तमोत बली ना बदनामी करवाऊं, जिंदगी के सुख भोग लिए सब धारा मन भरवाऊं, ओ धर्मराज घर होगा फैसला तेरी मिसल धराऊं, क्यों बिन आई मौत मरे तू, क्यों बिन आई मौत मरे करे मेरी बात का ध्यान, मौत नहीं मने मोक्ष मिले मेरा कर लो की भगवान, गंदगी देखू बात तेरी आ पूरण मन मेरी जान, मत बेटे परी नीत जगावे जो बन रही अज्ञान, जैसा कर्म करेगी मोसी आप बैठ जा खेके, तेरे बिना मरे जागी पूरने नाम तेरा मिलेके, आ कदर पूत की माँ जाने पाल अंडे जूसे के, मेरी तेरी जोट मिले ते, मेरी तेरी ओ सुरी जोट मिले तने करी नहीं पहचान, बेटे ने पति बनावे सयो टूट पड़े आसमान, गंदगी देखू बाट तेरी आ पूरण मन मेरी जान, मत बेटे पनी त जगावे तू बड़ री अज्ञान, सुरग छोड़ के पड़े नरक में बेल पाप की पोई, तेरे प्रेम में पागल होगी दीन जुनी ते खोई, अरी हंस के बेटा के दे माता फिर पूजा करिए होई, सतपाल सिंह टंग ठीक बाजती, सतपाल सिंह टंग ठीक बाजती जय सिंह तेरी तान, अरे बंसलाल के दोरे जाइए मिल जा सच्चा ज्ञान, गंदगी देखू बाट तेरी आ पूरण मन मेरी जान, मत बेटे परी नीत जगावे तू बड़ रही है ज्ञान। तो प्रिय सजनों
जब पूर्णमल और मुनादे की आपस में ये बात हुई तो पूर्णमल अपनी मौसी को दूर कर देता है और वापिस हो लेता है। और इधर से पूर्णमल को राजा सुलेमान ने जल्लादों को सुपुर्द कर दिया। जब जल्लाद ले जाने लगे पूर्णमल को तो इधर से कौन की रानी इंसरादे जो बड्डी रानी थी पूर्णमल की माँ वो आ जाती है और गुस्से में भर के लाल आंख होरी और राजा सुलेमान को एक बात के द्वारा केकन लगी और सुलेमान रानी इंसरादे को के समझाने लग गया। जो बेटी ने तू असली बाप नहीं से जो सुत की मेरे करूं रानी यो इंसाफ नहीं से रे यो इंसाफ नहीं से जो सुत की मेरे करूं रानी यो इंसाफ नहीं सरे यो इंसाफ नहीं से मेरी रानी नूना पे पूर्ण दाव करे से दूध नीर बिनी छाने तू यो कैसा न्याय करे से आय हट जा रानी क्यों जाता मेरे घावे करे से रे मेरे पदाव करे से तेरा पति कायदे कति खिलाफ नहीं सर रानी खिलाफ नहीं से जो बेटी ने मरवावे तू जो बेटी ने मरवावे तू असली बाप नहीं से तेरा सुत की मेरे करूं रानी यो इंसाफ नहीं सर यो इंसाफ नहीं से पाप की ली चादर रानी ओढ़ पूरण ने नूना माँ रिश्ता लिया जोड़ पूरण ने तेरा माता गिला चाले कर दिए कोड पूरण मेरे रानी कोड पूरण ने के पूत मरे का तेरा सो कियो हाय पूत मरे का तेरा सो कियो शराब नहीं से आके पूर्ण के कुकर्म की पड़ी बाप नहीं सर रानी बाप नहीं से जो बेटी ने मरवावे तू जो बेटी ने मरवावे तू असली बाप नहीं से जो सुत की मेरे करूं रानी यो इंसाफ नहीं सरे यो इंसाफ नहीं से हो We'll be right back.
तेरा मेरा दोष नहीं तेरा पूरण कोन्या आपे मैं। जदी पूत के दोष लगा तो छपे छपे जो आपे छपे छपे मैं खापगे खापे मैं खापगे रदी खापे मैं। जो सुतने सोकनी मरवारी वा है सुतने सोकनी मरवारी वा सच्ची आप नहीं से आ पापी पूरण इस बीमारी यो ए ताप नहीं सरे यो ए ताप नहीं से। जो बेटी ने मरवावे से जो बेटी ने मरवावे तू असली बाप नहीं से। जो सुत की मेरे करू रानी यो इंसाफ नहीं सरे यो इंसाफ तू भी मर जा गैल इब मन तेरी प्रीत नहीं से। सकन किया माननी सी ठीक नहीं से अरे पूर्ण से पापी ने मिलनी माफी भी के नहीं से रे माफी भी के नहीं से। कह याद राम सुनता मेरा है कह याद राम तेरा बीज लहे दिखे बिन ले सुर का लेना ठीक अलाप नहीं सरे अलाप नहीं से। जो बेटी ने मरवावे से जो बेटी ने मरवावे तू असली बाप नहीं से। जो सुत की मेरे करूं रानी यो इंसाफ नहीं सरे यो इंसाफ नहीं से। तो प्रेमी सदनों जब पूर्णमल और उसकी मौसी नुनादे की आपस में बात हुई तो वह रानी नुनादे थी वह अपनी जीत पड़ी रही और पूर्णमल अपनी जीत पड़ा रहा। इसी तरह से नुनादे उस पूर्णमल को धमकी देती है कि पूर्णमल मिराज का बोल याद रखना तेरे को एक दिन मैं फांसी में जरूर चढ़वाऊंगी। इतनी बात सुनते पूर्णमल वापिस अपने रंग में लुमा जाता है और रानी नुनादे ने सोचा कोई न कोई पूर्णमल को मरवाने का बहाना क्यों न टोया जाए। अब रानी नुनादे महल के अंदर आसन पार्टी देकर पड़ जाती है और इधर से सुलेमान को खबर मिल जाती है। तो राजा सुलेमान शाम को जब आते हैं देखा महल के अंदर घोर अंधेरा कोई दीवा बाती नहीं। दो तीन आवाज देते हैं और कैसे रानी नुनादे और रानी नुनादे महाराज आज आपके बेटे पूरनमल ने मेरे साथ ऐसी हरकत की है कि कोई भी स्त्री इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बात है रानी नुनादे आपने ये हालत कैसी बना रखी है। आपके पूरनमल ने महाराज मेरे साथ हाथापाई की और इस झीना चपटी में मेरे हाथ की सारी चूड़ी भी टूट गई। मेरा पूरनमल ऐसा नहीं है। देखिए महाराज किसी के ऊपर इतना अंधविश्वास नहीं किया करते। एक बात बताऊं रानी नुनादे। बताइए महाराज। अरे क्या जाने तू क्या जाने दुख दर्द का सहना क्या जाने आराम से सोने वाली तू करवट का बदलना क्या जाने। सुनी मेरी बात और मेरी बात सुन ले। उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे मने मतिना छेड़े भरी तारी। उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे मने मतिना छेड़े भरी तारी तेरे ते में बोलना न चाहती। अरे अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना वती। उठे क्यों पड़ी मेरी नारे मने मतिया छेड़े भरी तार तेरे ते।
सब जानू रे थारा बीरा का जुनसा हो मता रे नूना जुनसा हो मता पता होई मेरी से बिलग डटी शर्म तेरी से बता के खता होई मेरी से बिलग डटी शर्म तेरी से ना अपने घर चली जाती घर घर मैं जूते मार ले बाहर ने मैं मानस पन चती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नारे मने ये तो महल हवेली रे बाग बगीचे सब तेरी जायदाद रे रानी सब तेरी जायदाद बाद कौन प्यारा से यो शहर नगर गम थारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो नगर शहर गम थारा से हड़े मेरा कोई न साथी अरे किसने के कह दिया रांड तू नो रो रो डकराती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नारे मने मतिया छेड़े भरी बोला मेरे सुन सुन हरता काप ग्याड के कहरता काप ग्याड के नोते में भी चलू पंडा छूटे गमर के पिया जी छूटे गमर के जान टुक कर कजबट समाई हरी तोनू वाकी बनो लुगाई जान टुक कर कजबट समाई हरी तोनू वाकी बड़ो लुगाई मेरी ना ओड पड़ी छाती वो पगन आई मरवावे देखियो या सीरिक से ताती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे मने मतिया छेड़े भरी तार तेरे ते में बोला ना चाहती अरे अंधेरे गुबार महल में दीवाना पत्नी लक्ष्मी चंद्र रंग मेला में नूना रोप दिए चाले रोप दिए चाले ईब खोल के गिरूंगे सिर गुंदी के नाले पिया जी सिर गुंदी के नाले पर हट तू कहाड़े मुंह की नागे तेरे उस पूरण मल में आग पर हट कहाड़े मुंह की नागे तेरे पूरण मल में आग बाली थी देर तपाती तू तो इसे भगत के दोष लगावे मरे पाप रूप गाती उठे क्यों